रश्मिका मंदाना का बीते दिनों एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखकर हर कोई हैरानी में पड़ गया था। अमिताभ बच्चन तक ने रश्मिका मंदाना का सपोर्ट किया था और इस मामले पर एक्शन लेने की मांग की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब इस केस में नया अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज करवा दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO टीम ने रश्मिका मंदाना का बयान दर्ज किया है। हाल ही में वो एनिमल में नजर आई थी। रश्मिका की इस मूवी में काफी तारीफें भी हुई थी। अब वो अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 2 द रूल में नजर आने के लिए तैयार है। फैंस इसकी रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। हाल ही में रश्मिका मंदाना का मूवी से लुक भी रिवील किया गया था, जिसकी फैंस ने काफी तारीफें की थी। आपको बता दें, नवंबर 2023 में रश्मिका मंदाना के डीप फेक वायरल वीडियो होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 21 जनवरी 2024 को मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने का दावा किया था। उस शख्स का नाम नवीन बताया जा रहा था, जिसकी उम्र 24 साल थी। वो 2 साउथ एक्टर्स का फैन पेज चलाता था और रश्मिका के इस डीप फेक वीडियो के जरिए वो अपने फॉलोअर्स के साथ साथ पैसे भी बढ़ाना चाहता था। रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो एनिमल की रिलीज से महीने भर पहले का था। पहले तो लोगों को यही लगा कि ये वाकई रश्मिका मंदाना है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो डीप फेक वीडियो है। फौरन इस पर एक्शन लिया गया और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। करीबन 500 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को झाड़ पोछ कर देखा गया, जिसके बाद नवीन को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से अरेस्ट कर लिया गया।